यूक्रेन से भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को इंदौर के 3 और छात्र यूक्रेन से सकुशल लौटे। छात्रों के अनुसार यूक्रेन के हालत तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों की घर वापसी हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। विमानतल पर अक्सर अपने माता पिता को विदेश जाने वाले बेटे या बेटी को गले लगाकर रोते हुए तो आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन विदेश से लौट कर आने पर रोते हुए शायद ही किसी माता पिता को आपने देखा होगा। गुरुवार को जब प्रणय राय सुकुशल लौट आया तो उसकी माता गले लगाकर बिलख पड़ी। यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत के बाद सभी माता पिता चिंतित हो उठे थे जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे, लेकिन गुरुवार को परिवार के साथ इंदौर में सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष वर्मा की बेटी युक्ति वर्मा व ममता पाटीदार भी यूक्रेन से सकुशल लौटी। युद्धग्रस्त क्षेत्र से वापस अपनी धरती पर लौटने के बाद छात्रों को लग रहा है कि उन्हें नया जीवन मिला है। तीनों छात्रों के अनुसार यूक्रेन के हालत बेहद खराब हो चुके हैं। यूक्रेन से रोमानिया की बॉर्डर क्रॉस करने तक का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। सभी छात्रों ने भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार माना है। सर ये बहुत डिफिकल्ट था हम लोगों के लिए, सबसे डिफिकल्ट था। हम लोगों ने बॉर्डर की तरफ जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम लोगों ने धक्का मुक्की में सब क्रॉस किया है, और इवन मैं तो गिर भी चुकी थी, मेरे ऊपर लोग भी गिरे थे। उसके बाद मैंने क्रॉस की, मेरी हेल्प की किसी ने, फिर हम लोगों ने क्रॉस की। मैं 26 को ट्रेवल स्टार्ट कर दी थी लेकिन 27 तक चल रही थी, फिर बॉर्डर क्रॉस की मैंने, और फिर एक दो दिन मैंने वहाँ स्टे किया, उसके बाद में हम लोग आए। अभी सर वो बहुत ख़तरनाक था, हम लोग अभी तक नहीं भूल रहा। जब तक हमको वो याद आता है ना तो हमको सिर्फ रोना आता है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त लोग जो भी वहाँ पे फंसे हुए सारे निकल जाए, और मोदी जी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको निकाला। सर इट्स बीन लॉन्ग जर्नी एंड आई कैन से दैट मेरी सेकेंड लाइफ है, बिकॉज द जर्नी वॉज टू हार्ड फॉर मी। बिकॉज सिंस 15 डेज आई कॉन्ट स्लीप, यू कैन सी विथ माई आईज, मैं सोया नहीं हूँ ढंग से। एंड फैमिली वालों को देख के अब ऐसे ही लग रहा है कि अब मैं नहीं जाऊँगा, और बहुत खुशी हो रही है। और आप सबकी ब्लेसिंग्स थी, मेरी फैमिलीज की ब्लेसिंग्स थी हमेशा मेरे साथ, तो उन सभी के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। लाइक ग्राउंड रियलिटी वॉज टोटली डिफरेंट विच यू आर शोइंग ऑन द मीडिया, वो बहुत डिफरेंट था। और मैंने बॉर्डर 26 को रोमानिया के थ्रू क्रॉस करा है, बट आई वॉज काइंड लकी इनफ बिकॉज जो पोलैंड बॉर्डर थी वहाँ पर बच्चे 35 किलोमीटर चल के गए हैं, मेरे को सिर्फ 10 किलोमीटर चलना पड़ा है, और मैं दो दिन ही वेट कर रहा हूँ। मेरे को इतनी कोई बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी या ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई, बट कंपेरेटिवली अब जो वहाँ पर बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। जी पहले तो मैं टर्नोपिल से हूँ, हमने बॉर्डर क्रॉस करी थी रोमानिया, और फिर हम वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आई हमें। जैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं फेंस लगा हुआ था, उसमें से हम बहुत भागा दौड़ी, बहुत बहुत रश था बहुत, तो फिर उसको क्रॉस करने के बाद गए, फिर हम रेफ्यूजी कैंप्स में रुके, और फिर वहाँ पर दो दिन रुकने के बाद फिर हमें फ़्लाइट मिली, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी थी। और फिर युद्ध के बीच सकुशल लौटे अपने बच्चों को देखकर माता पिता काफ़ी खुश हैं, लेकिन वो अब भविष्य में पढ़ाई के लिए यूक्रेन भेजने को लेकर तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।